नगर पालिका के सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के सीवेज के अंदर घुसकर कर रहे हैं सफाई। जहरीली गैस, जहरीले जीव जंतु से हो सकता है जान को खतरा। रहीम जी, क्या कार्य करते हैं आप? सफल भाई जा रही हूँ, सफाई कर रही है, सीवर लाइन की सफाई करवा रहा हूँ। अच्छा, लाइन चौक हो गई है सीवर की, इस संबंध में ये सफाई कर रही है। क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे? लाइन चौक हो गई। कब से? कल से हुई है। अच्छा, तो लाइन चौक हो गई, क्या दिक्कत हो गई होगी? पानी रुक रहा, घरों में भर रहा। अच्छा, तो ये जो सफाई कर्मचारी है सीवेज लाइन के, इनके लिए क्या क्या उपलब्ध होते हैं सुविधा के लिए? सब सुविधा है अपने पास। जब तुम मशीन है पानी फेंकने के लिए, अंदर जब मलबा रहता है तो उसे फावड़े द्वारा निकाला जाता है। तो नहीं, जैसे व्यक्तिगत कैसे मास्क की या? मास्क लगाते नहीं है, आदत में नहीं है इनके, सब व्यवस्था है अपने पास। अच्छा अच्छा, सब व्यवस्था तो है। किसी कोई भी नहीं लगाता? कोई नहीं लगाता है। अच्छा, लगाते तो इसे सब व्यवस्था है। इसे जान हानि हो सकती नहीं हो सकती? जान हानि का डर जब होता है जब चैम्बर भरा हो रहा अपन उसको घुसा रहे अंदर, चैम्बर पूरा खाली है। एडवोकेट हूँ, कांग्रेस का विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ। सुभाष जी, बात करेंगे सिविल लाइन में जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके तन पर केवल एक गुप्त अस्त्र है, शस्त्र है, वो वस्त्र है, तो ऐसे में क्या? ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग है, जब भी कोई सफाई कर्मचारी किसी भी प्रकार की सफाई के काम के लिए जाता है तो उसे नगर पालिका, नगर प्रशासन द्वारा सारी सुविधाएं उसके जीवन रक्षा की उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विदिशा नगर पालिका में आए दिन देखा जा रहा है कई कर्मचारी कार्य करते हुए सांप के काटने से मृत्यु के गाल में जा चुके हैं, और कई कर्मचारी बिल्कुल लापरवाही के साथ काम करते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और नगर पालिका अधिकारी की है, उसको देखना चाहिए। किसी भी प्रकार की घटना को होने से रोकने का प्रयास नगर पालिका प्रशासन को करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते और कोई सफाई कर्मचारी इस तरीके से लापरवाह पूर्व बगैर सुविधा साधन के काम करते पाया जाता है तो नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ FIR होनी चाहिए। सीवेज लाइन और सामान्य सफाई की बात अलग अलग है। सीवेज की स्थिति जो देख रहे हैं, सीवेज का जो गड्ढा है उसके अंदर सफाई कर्मचारी सिर्फ एक अंडर, देखिए जहरीली गैस भी निकलती है, दुखद मृत्यु हो सकती है, सांप बिच्छू और जहरीले कई कीड़े काटे काट सकते हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। शासन की जिम्मेदारी है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों को पूरी सुविधा देते हुए काम कराया जाए, पूरी सुरक्षा के साथ काम कराया जाए, और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक वीडियो आपको दिखाया था, इसको लेकर आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, आपने जो वीडियो दिखाया है, मुझे मेरे पत्रकार साथियों ने, नगर पालिका का कर्मचारी है या PHE का कर्मचारी है, दो बातें हैं उसमें। PHE के कर्मचारी भी ये सब काम करते हैं, नगर पालिका कर्मचारी भी करते हैं। यदि किस भी विभाग का कर्मचारी होगा तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।